टिक्की तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ जो टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ ये बहुत ही अलग है, सब्जियों से भरपूर। और इसमें हमने सूजी या मैदा नहीं यूज़ किया है, इसमें हमने आटे का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा और इसमें बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल किया इस रेसिपी के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक बाउल लीजिए, इसमें डाल दीजिए उबले हुए आलू को। अब उबले हुए आलू के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसके अंदर जाएगा शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ थोड़ा सा डाल देंगे हरी मिर्च ताकि ये तीखा चटपटा भी बने, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ जाएगा गाजर। अब इसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा आधा कप के करीबन, वीट फ्लोर हमने डाला हुआ है। और अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, काली मिर्च का पाउडर हमने डाल दिया है और इसके बाद चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और बढ़िया तरीके से अब इन सारी चीज़ों को आपको कर लेना है मिक्स, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और बढ़िया सा एक डो बनाकर रेडी कर लेना है आपको, जैसे कि पूरी और आटे के लिए हम लगाते हैं। तो बस ये डो हमारा बन करके रेडी हो चुका है। आलू का जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए और इसमें हमने सब्जी यूज़ की है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये हेल्दी है और आटे यूज़ किया है इसीलिए ये हेल्दी है। और अब ले लीजिए थोड़ा थोड़ा डो जो है उसमें से पोर्शन, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए ताकि ये चिपके ना। और अब इसे हम छोटे छोटे टिक्की का शेप दे देंगे, बहुत ईजिली ये बनकर रेडी हो जाता है। हथेलियों से चपटा कर लीजिए, अगर किनारे फट रहे हैं तो उंगलियों की मदद से इस तरीके से इसे मतलब कि शेप दे दीजिए एक प्रॉपर। तो बस इसी तरीके से सारी टिक्कियों को हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। एक और टिक्की मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक और टिक्की मैं बना करके दिखाती हूँ। टिक्की का शेप आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं, पतला या मोटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी टिक्कियों को हमने बना करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब टिक्कियों को हम फ्राई कर लेते हैं। पैन में हमने तेल डाल दिया था और तेल गर्म होने के बाद सारी टिक्कियों को तेल के अंदर डालिए। गैस का फ्लेम आपको मध्यम रखना है, मीडियम आंच पे अच्छे तरीके से एक साइड से टिक्की को हम पकने देते हैं। जैसे ही टिक्की पक जाएगी तो बिल्कुल ये मतलब तेल के ऊपर हल्का सा आ जाएगा। और ये देखिए अभी हल्का सा क्रिस्प दिखने लगा है, इसे हम पलट देंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड से भी अच्छा सा इसको क्रिस्प होने देते हैं, पकने देते हैं। उसके बाद फिर एक बार और पलटेंगे और ये देखिए कलर इसका बढ़िया सा डार्क हो चुका है। इसका मतलब है कि टिक्की हमारी अंदर तक अच्छे से पक चुकी है। अब इस टिक्की को हम निकाल लेते हैं। तो जब आप निकालेंगे तो थोड़ी देर के लिए इसे हम पैन के साइड में रखेंगे ताकि इसका जो तेल है वो निकल जाए। और इस गर्मा गर्म टिक्की को हम मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टिक्की को, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बिना मैदा बिना सूजी का हमने बनाया है इस टिक्की को। तो ट्राई कीजिए, रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।